तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको मेरे इस नए ब्लॉग वीडियो में। तो ये एक छोटा सा ब्लॉग वीडियो है, तो ज़्यादा लंबा नहीं है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और ये वीडियो एक ट्रैवल ब्लॉग वीडियो है जो कि अगरतला से चेन्नई तक की है। तो चेन्नई पे मैं क्यों जा रहा हूँ, चेन्नई पे मेरे पेरेंट्स की ट्रीटमेंट के लिए जा रहा हूँ अपोलो में। तो आप लोगों को बताता रहूँगा कि अपोलो हॉस्पिटल के आसपास रहने खाने पीने का इंतज़ाम कैसा है और क्या क्या इंतज़ाम करना पड़ता है, कहाँ रहना है, सब कुछ बताता रहूँगा। और ये ब्लॉग वीडियो दो वीडियो में आएगा, जो कि है ये पहला ब्लॉग वीडियो और दूसरा है कुछ दिनों बाद आएगा। तो प्लीज़ बने रहे इस वीडियो के एंड तक। और अगर आप लोग को पसंद आया वीडियो या फिर कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप नए हो तो चैनल में प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और मुझे सपोर्ट कीजिए ग्रो करने में इस चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दो बैग ऑलरेडी पैक कर चुका है। तो कुछ ज़रूरत सामान वगैरह डाला है बैग में, जैसे कि ये रिपोर्ट कार्ड जो पापा का पहला ये त्रिपुरा में जो डॉक्टर दिखाया था तो उसका रिपोर्ट कार्ड है, MRI किया था। और जो जो कपड़े वगैरह ज़रूरत चीज़ें जैसे कि स्पाइसेस वगैरह वहाँ पे तो नहीं मिलता ना चेन्नई पे, तो सब पैक कर चुका हूँ यहाँ पे। और ये एयरपोर्ट के रास्ते में आते वक्त उषा बाज़ार के वहाँ से थोड़ा सा बारिश आया था तो मौसम थोड़ा बिगड़ गया, तो अभी थोड़ा वरीड हूँ। और वहाँ पे चेन्नई के जाने पे फ्लाइट में थोड़ा उड़ान में प्रॉब्लम वगैरह ना हो। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुँच चुका है हम लोग एयरपोर्ट में, त्रिपुरा के अगरतला के एयरपोर्ट में। तो ये अपना स्टेट का एयरपोर्ट है और यहाँ में ऑलरेडी हम अंदर आ चुका है एयरपोर्ट के अंदर। तो अभी चेक इन वगैरह करवाना है, बैग तो ज़्यादा साथ में तो लगेज तो नहीं है, सिर्फ दो बैग है। और चेक इन वगैरह करवा के अभी टिकट ले लिया, तो अभी गेट नंबर किधर है वो ढूंढ के जाना पड़ेगा। तो गेट नंबर तो 4 है, तो साइड ऊपर में है, हम अभी ऊपर में आ चुका है। ऊपर में आके अभी टाइम तो अभी नहीं हुआ, टेक ऑफ का टाइम तो 4:30 बजे है, तो अभी तो सिर्फ 3 बजे है। तो थोड़ा सा इधर उधर घूम के रहते हैं क्योंकि बैठे बैठे और क्या करेंगे। तो इस एयरपोर्ट में थोड़ा अच्छा है, दूसरे इतना छोटा सा स्टेट है फिर भी अच्छा है। देखो कितना क्लीन है ये एयरपोर्ट, अगर आप कंपेयर करेंगे कलकत्ता के या फिर दूसरे बड़े बड़े शहरों में एयरपोर्ट होते हैं फिर भी इतना क्लीन होते हैं वहाँ पे भी, लेकिन ये एक छोटा सा स्टेट होके भी इतना क्लीन है। तो ऑलरेडी यहाँ पर हम लोग टाइम हो चुका है, तो बोर्डिंग के लिए अभी जा रहे हैं फ्लाइट पे। तो ये पापा लोगों का नज़ारा दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है ये अंदर से बाहर देखने में। और ये फ्लाइट में ऑलरेडी टेक ऑफ का टाइम हो चुका है, तो अभी उड़ान में है। तो टेक ऑफ के बाद अभी काफ़ी ऊपर आ चुका है, तो ऊपर में आके ये नीला आसमान मुझे हमेशा पसंद आता है। तो वीडियो के लिए, मेरे ब्लॉग के लिए मैंने ये वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी। तो फ़ोन तो यूज़ कर नहीं सकते, फ्लाइट मोड में है, लेकिन वीडियो के लिए तो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी मेरे वीडियो के लिए शूट कर रहा हूँ। और ये यहाँ पे बेंगलोर पे आ पहुँचे हैं हम, क्योंकि ये एक कनेक्टिंग फ्लाइट है, तो बेंगलोर में कुछ देर रुकेगा और उसके बाद चेन्नई के लिए फिर से दूसरा फ्लाइट पकड़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट वगैरह करके फिर से क्यू में लग के जाएंगे। तो ऑलरेडी यहाँ पे क्यू पे लग चुका है, तो अभी जा रहे हैं चेन्नई। तो चेन्नई पे आ चुके हैं हम, अभी लैंड करने वाले हैं, तो चेन्नई एयरपोर्ट में लैंड करेंगे अभी। यहाँ पे ऑलरेडी हम चेन्नई पे पहुँच चुका, तो चेन्नई पे पहुँच के अभी चेन्नई एयरपोर्ट में है। यहाँ से होके ऊबर में जाएगा, ऊबर में मैंने देखा था कुछ 600 या 500 समथिंग है अपोलो तक, अपोलो हॉस्पिटल जाने के लिए। तो ऊबर अगर नहीं आया तो ऐसे ही रिजर्व में ले लेंगे एक कार। तो यहाँ पे अभी हम लगेज के लिए नीचे जा रहे हैं, तो लगेज वगैरह लेके हम जाएंगे अपोलो हॉस्पिटल की तरफ। तो अभी पता नहीं कितना वक्त लगेगा लगेज मिलने में, बहुत सारे लोग हैं, तो हमारे त्रिपुरा के जैसा नहीं है, तो इतना लोग कम नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है।
तो अभी हम अभी लाइन पे लग चुके हैं, अपने सामान का वेटिंग कर रहे हैं। तो पता नहीं कब आएगा, बहुत देर से तो वेट कर रहा था सामान के लिए, तो अभी तक लगेज नहीं आया। हाँ वो आया, मम्मी को मिला लगेज, तो लगेज ले लिया। सिर्फ दो बैग है, तो एक तो साथ में रखा था तो दूसरा वो चेक इन में दिया था। तो अभी वो लगेज ले रहा हूँ, अभी जाएगा अपोलो की तरफ। काफ़ी रात भी हो चुके हैं, तो अभी एक होटल मिला है, एक रूम जो ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो हॉस्पिटल के सामने है, तो ले लिया। तो ये अभी सुबह का 7 बजे है, तो साबुन खरीदना है, तो थोड़ा सा नहा धो के फ्रेश होकर हॉस्पिटल में जाएंगे। तो यहाँ पे मार्केट में निकल चुका हूँ मैं, तो एक साबुन खरीद लिया यहाँ पे 40 रुपये का है। मुझे लगता है ज़्यादा महंगा हो गया, पता नहीं महंगा या फिर ठीक ही है शायद। नहा धो के अभी जाता हूँ हॉस्पिटल में, तो यहाँ हॉस्पिटल के अंदर से वीडियो कर पाएंगे या नहीं पता नहीं। तो ये पहला ब्लॉग यहीं तक का है, तो ये है अपोलो हॉस्पिटल।